बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कलेजी, बकरे की तवा कलेजी फ्राई। तो आइए देखते हैं हमें उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है। आधा किलो कलेजी ले ली है बकरे की, उसे वॉश करके अच्छी तरीके से रख दिया मैंने। साथ में दो अदद हरी मिर्चें हैं, इनको कट करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। तवा मैंने ऊपर रख दिया था, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, वो गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे हम। तो अब ये थोड़ा सौते हो गया और लाइट ब्राउन हो गया। मैं इसके ऊपर हल्दी ऐड कर दूंगी और साथ ही थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। अब हम कलेजी ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे। आप ये रेसिपीज जो होती हैं इनको कंप्लीट देखा करें। अगर दरमियान से आप स्किप कर देते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं और ये किस तरीके से सही बन रही है। इस तरीके से बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है और बहुत ही यम्मी बनती है। और अगर आपने मेरा चैनल हंजला मलिक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम से मिले। देखिए कलेजी ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और आपने इसको ख्याल से फ्राई करना है क्योंकि ये जब फ्राई करते हैं तो इसके अंदर से थोड़ा बहुत ब्लड भी आता रहता है। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना वरना ये बहुत सख्त हो जाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, रेड चिली पाउडर और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको फील हो कि ये तवे पे या जिस बर्तन में आप बना रहे हैं चिपकना स्टार्ट हो गया है तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से कुक भी हो जाए और नीचे से जले भी ना। इस तरीके से फ्राई करें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। ये क्विक सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं हमारी कलेजी फ्राई। अब हम इसके ऊपर से हाफ लेमन का रस डाल देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत यमी बनी है। कलेजी हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऊपर से हम इसके हरी मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना। आप इसको खाने के साथ भी ले, रोटी के साथ भी ले सकते हैं, पराठों के साथ इंजॉय करें, ऐसे भी खा सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। अगर आप इसके साथ नान मंगवा लें तो फिर क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। नहीं तो आप पराठा बनाएं, खुश्क रोटी बनाएं और इसको ऐसे भी खाया जाता है, बहुत ही यमी लगती है। तो ये रेडी हो चुकी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जिसको बना के खिलाएंगे सब आपकी तारीफ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।